हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसके हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने एल्यूवियल सॉइल के बारे में पढ़ लिया था, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक सॉइल से। तो ब्लैक सॉइल्स क्या है? दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर, ठीक है, तो कलर है ब्लैक और एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। इसको रेगर सॉइल के नाम से आया था। बोर्ड में कई बार या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक सॉइल का सेकेंड नेम क्या है या फिर रेगर सॉइल क्या है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ब्लैक सॉइल को ही रेगर सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। जो ब्लैक सॉइल है तो उस कॉटन के फॉर्मेशन के लिए, कॉटन कल्टिवेशन के लिए जो आइडियल सिचुएशन चाहिए वो इस ब्लैक सॉइल पूरी करता है, यानी कि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए आइडियल है, इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक, इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल, तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पेरेंट रॉक मटेरियल के साथ मिलकर के इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो पेरेंट रॉक है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन है या इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं या फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे बोला गया पेरेंट रॉक, तो पेरेंट रॉक क्या है, पेरेंट रॉक होता क्या है, मतलब पेरेंट रॉक बेसिकली ओरिजिनल रॉक। जैसे कि हम अगर देखें तो जैसे क्ले सॉइल है तो किससे ड्राइव होती, शैल से बनती है, ठीक है, तो शैल क्या हो गया, इसका ओरिजिनल रॉक हो गया, ठीक है, समझ गए। तो पेरेंट रॉक क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलकर क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं, या किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो सेम ब्लैक सॉइल के में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप, इस टाइप की सॉइल जो डेक्कन ट्रैप रीजन है, ठीक है, जो नीचे वाला जो अपना साउदर्न पार्ट है उसमें जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो क्या है, डेक्कन ट्रैप कहलाता है। तो ये जो यही बोला गया कि ये जो सॉइल का टाइप है ये डेक्कन ट्रैप के लिए मतलब सबसे बेस्ट है। दिस टाइप ऑफ सॉइल टिपिकल फॉर द डेक्कन ट्रैप रीजन्स स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। जो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू है उस वहाँ में ये पूरा उस एरिया तक ब्लैक सॉइल स्प्रेड है, और ब्लैक सॉइल लावा के फ्लो होने से बनती है, ठीक है, लावा के फ्लो होने से, लावा के जैसे हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होती है, तो ये जो लावा फ्लो होता है उसके बाद कुछ कुछ प्रोसेस होने के बाद ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है। दे कवर द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र एरिया है, सौराष्ट्र जो कि प्रेजेंट टाइम गुजरात रीजन है, वहाँ पर मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन में ये स्प्रेड है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, सॉरी साउथ ईस्ट के कुछ पार्ट में गोदावरी और कृष्णा वैली तक ये सॉइल स्प्रेड है। द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप, जो ब्लैक सॉइल है वो बनती है एक्सट्रीमली फाइन, जो बहुत अच्छे जो क्ले मटेरियल्स है उसके मिलके बनी होती है जो ब्लैक सॉइल है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, तो इसको इसके लिए जाना जाता है कि ये मतलब मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें है। इन एडिशन, तो इतने सब फीचर्स के अलावा इसमें क्या होता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स के मामले में काफ़ी रिच है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो सब पाए जाते हैं। ये सब बेसिकली इतने जो न्यूट्रिएंट्स ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं वो सब कॉटन ही ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कॉटन का प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट, जो फास्फोरस कंटेंट है, फास्फोरस कंटेंट के मामले में काफ़ी क्या है, काफ़ी पुअर है, काफ़ी कम फास्फोरस कंटेंट इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल है फास्फोरस कंटेंट काफ़ी कम होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, हॉट वेदर के टाइम पे जब गर्मी पड़ती है तो जब सॉइल में डीप क्रैक्स पड़ जाएंगे, ठीक है, होल्स हो जाएंगे, तो इस क्रैक्स में विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, तो इस क्रैक्स की वजह से क्या होता है, प्रॉपर एरिएशन, एयर का आना जाना स्टार्ट हो जाता है सॉइल पे, तब जाके ये सॉइल फॉर्म होती है। दी सॉइल आर स्टिकी व्हेन वेट, तो ये सॉइल स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट एंड, और जब ये सूख जाती है तो इस पर डिफिकल्ट टू वर्क अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट ओवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो फर्स्ट प्री मानसून पीरियड में जब फर्स्ट ओवर पहली बार जब बारिश होती है तो उसके जस्ट बाद इसको टिल्ड करेंगे, तभी जाए क्या है
तभी जाके इस पे काम करना पॉसिबल, नहीं तो फिर इस ब्लैक सॉइल के स्टिकी होने पे काम आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में अगला जो हमारी सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो रेड सॉइल कहाँ डेवलप होती है? रेड सॉइल जो क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक है, इग्नस रॉक्स बनती है लावा के फ्लो होने से, जो क्रिस्टल वाली इग्नस रॉक्स है उन एरिया में जब हल्की हल्की रेनफॉल होगी, बेसिकली डेक्कन प्लेटू का ईस्टर्न और जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर इस टाइप का माहौल बनता है। ठीक है, वहाँ पर इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़ साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन के साउदर्न पार्ट में और अलोंग द पाइडोमेन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट का जो पाइडोमेन मतलब वेस्टर्न घाट का जो माउंटेन के नीचे वाला रीजन है। ठीक है, जो प्लेन रीजन स्टार्ट होता है उन रीजन्स में दीज सॉइल डेवलप अ रेडिश कलर। अब इस सॉइल में रेड कलर होता है क्यों? क्योंकि इसमें आयरन का डिफ्यूजन है। ठीक है, जो डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इट लुक्स येलो दिखती है व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेट फॉर्म, यानी कि जब गीली हो जाएगी हाइड्रेट फॉर्म हो जाएगी तो कैसी दिखती है? तो जाके ये येलो दिखती है। अगली है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। तो जो लैटेराइट वर्ड है वो ब्रिक्स जिसका मीनिंग है, ठीक है, लेटर से मिलकर बना हुआ जिसका मीनिंग क्या होता है? ब्रिक। द लैटेराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया, लैटेराइट सॉइल एक ऐसे एरिया में डेवलप होती है विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जिसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा और रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होने की सिचुएशन में ये सॉइल जनरेट होती है, सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है, हर एक सॉइल का फॉर्मेशन का रीजन अलग अलग होगा, हर में कंटेंट अलग अलग पाए जाएंगे, मिनरल्स अलग अलग पाए जाएंगे, तो ये क्या है, हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स में सॉइल फॉर्म होती है लैटेराइट सॉइल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, जब खूब सारी बर्स होती है तो इसमें काफ़ी सारी लीचिंग होती है। ठीक है, चिपचिपापन रहता है, गाढ़ापन लशलशापन रहता है, विस्कस होता है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लो, इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट काफ़ी कम है, लो है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलरली जो डीकम्पोजर्स हैं जैसे बैक्टीरिया कैट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो कंटेंट है ह्यूमस कंटेंट है काफ़ी लो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि डीकम्पोजर्स हैं बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये सब हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, लैटेराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, लैटेराइट सॉइल आर सुटेबल, लैटेराइट सॉइल है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर, अगर हम प्रॉपर इस सॉइल पे मैन्योर प्रोवाइड करें फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करें तो फिर जाके इस पे हम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका केरला तमिलनाडु मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम, तो ये सब रीजन्स हैं जहाँ पर क्या होता है ये सॉइल लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलर इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका। ठीक है, आफ्टर अडॉप्टिंग पर्टिकुलर इन द हिली एरिया, जो कर्नाटका केरला और तमिलनाडु के हिली रीजन्स हैं वहाँ पे प्रॉपर टेक्निक कंजर्वेशन टेक्निक के यूटिलाइज करने के बाद ये सॉइल काफ़ी बेटर हो जाती है टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए। ठीक है, प्रॉपर टेक्निक का यूज करेंगे इन हिली रीजन्स में तो यहाँ पे हम कॉफ़ी एंड टी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु में जो रेड लैटेराइट सॉइल आंध्र प्रदेश और केरला में ये मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक केशू नट का खूब यहाँ पर पैदावार होता है, खूब अच्छा प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो ये तीन सॉइल थी, इसके बारे हम लोगों ने पढ़ा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जितना हमारा सॉइल और बचे हुए उनके बारे हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों का वही सेम काम है, आपको जो डाउट है उन डाउट को आप पूछिएगा, लगातार अनवरत रूप से पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि कोई भी सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती, उसके लिए आपको अनवरत मेहनत करना अति आवश्यक है। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।